आज की जो डिस्कशन है हमारी वो है एपिस्टेमोलॉजी, तो ये फिलोसॉफिकल टर्म है, सही है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे, ये कि दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है बोल सकते हैं, सही है, ग्रीक ओरिजिन है, सही है, तो ग्रीक ही वर्ड है वैसे, जैसे बायोलॉजी होता है ना वैसे समझ लें एपिस्टेमोलॉजी है। बायोलॉजी लॉजी जो होता है ना वो स्टडी होती है, बेसिकली कोई सी भी चीज़ की स्टडी होती है ना तो उसके एंड में लॉजी लगा देता है। और फिर जैसे बायो है तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बायो बोलते थे, मतलब बायो ऑर्गेनिज्म जैसे बोलते ना, तो बायोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ बायो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वैसे ही एपिस्टेमोलॉजी है। अब एपिस्टेमी का मतलब होता है नॉलेज, सही है, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजी इज स्टडी ऑफ नॉलेज, व्हाट इज टू नो, व्हाट इज नॉलेज, हाउ डू वी नो समथिंग, how do we rationalize our knowledge, how do we prove something, what even is knowledge itself, सही। ये फिलोसफी में इसकी डिस्कशंस होती हैं, प्रॉपर डिस्कशंस होती हैं, अभी तक चलती हैं इनमें डिस्कशन। मैं बैकड्रॉप देना चाह रहा हूँ कि एपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हैं और डिस्कशंस क्या क्या चीज़ों के बारे में होते हैं, फिर एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, सही है। सो स्टार्ट करते हैं, शुरू में ही जब इनकी डिस्कशंस होती हैं तो नॉलेज मिलती कैसे है, तो जनरली दो मेथड्स होते हैं, सही है, नॉलेज गेन करने के, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। एबडक्टिव भी होता है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, वो अभी बात करना, सही है। डिडक्टिव जो होता है, अब वो समझ लें, दो स्टेटमेंट्स हैं, सही है, दो स्टेटमेंट्स अगर सच हुई तो कंक्लूजन जो दो स्टेटमेंट से निकलता है वो सच होगा, ज़रूरी है सच होगा, ऐसी आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब इसके एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला, आपका नाम फैज़ान, मैंने बोला सारे इंसान मरेंगे, फैज़ान इंसान है, तो इसकी कंक्लूजन क्या निकलती है, फैज़ान मरेगा, ये सच है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स जो मैंने बोली हैं कि फैज़ान इंसान है और सारे इंसान मरेंगे, तो ये ज़रूरी है कि फैज़ान भी किसी ना किसी दिन मरेगा, ही इज़ अ मॉर्टल। तो ये ऐसी आर्ग्यूमेंटेशन को हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, अगर दो स्टेटमेंट सच हैं तो कंक्लूजन सच होगी। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो साइंस करती है बेसिकली, वो है एविडेंस लेती है और कंक्लूजन की तरफ जाती है, जहाँ एविडेंस पॉइंट करता है। जैसे मैंने बोला कि सारी स्वान्स, सही है, जो होती है डक्स जैसी होती हैं, वो वाइट है। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने बोला अभी मेरा बिलीफ है या मेरा हाइपोथेसिस है कि सारी स्वान्स वाइट होती हैं। फिर मैंने बोला मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं 200,000 या 2 करोड़ स्वान्स देखूँगा, अगर सारी वाइट हुई तो मैं कंक्लूड करूँगा कि सारी स्वान्स वाइट होती हैं, मेरी बात सच है, सही है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में सारी मेरे स्वान्स वाइट ही दिखी, तो मैंने कंक्लूड किया कि ऑल स्वान्स आर वाइट। लेकिन इंडक्टिव में ये है कि ये ज़रूरी नहीं है सच हो, सही है, क्योंकि हो सकता है कि हमें ब्लैक स्वान दिख जाए, क्योंकि यही होता था बिलीफ, मतलब सोचने, आई बिलीव 18th century के अराउंड ये बिलीफ होता था कि सारी स्वान्स वाइट हैं, जो वेस्टर्न नेशन था इसमें ये बिलीफ होता था कि सारी स्वान्स वाइट हैं। फिर जब अफ्रीका में गए तो ब्लैक स्वान्स होती थी, सही, तो उनका बोला भाई, तो ये वो लोग क्लेम करते थे कि ये सच है लेकिन फॉल्स हो गया। तो जो इंडक्टिव होता है फॉल्स हो सकता है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइंस में जो थ्योरीज होती हैं, जो थ्योरीज को सच माना जाना जाता है, वो इसी इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू होता है। हाइपोथेसिस होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, जो एक्सपेरिमेंटेशन हाइपोथेसिस के साथ रहता है, तब वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सच है, लेकिन हो सकता है आगे जाके गलत हो, आगे जाके फॉल्स हो। जैसे आप न्यूटोनियन अंडरस्टैंडिंग को देख लें, ग्रेविटी की, उसने एक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि न्यूटन ने एक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि सारे जो मास है वो अट्रैक्ट होता है दूसरे मासेस से, सही है, एवरी मास हैज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, सही है, मैटर हैज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन ये उसने एक थ्योरी दी थी, फिर थ्योरी के बेसिस पे उसने एक्सपेरिमेंट्स दिखाए थे और एक्सपेरिमेंट्स थ्योरी के साथ मैच कर रहे थे, तो उसने फिर लोग मानना शुरू हो गए कि हाँ भाई ये सच है। फिर आगे जाके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन आया, वो बोला भाई एक और थ्योरी है वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती है। तो जबकि इंडक्टिवली कंक्लूजन रीच की थी तो सच मानी गई थी लेकिन वो गलत हो गई,
सही, ये एग्जांपल है कि कैसे गलत हो सकती है। तो आप समझ, हमें ये समझ आएगी डिडक्टिव क्या है। डिडक्टिव मतलब अगर स्टेटमेंट सच हो तो कंक्लूजन सच है। इंडक्टिव में ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कंक्लूजन सच हो। तो हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में जो बात की है, ये बेसिकली जो मेथड्स होते हैं ये लॉज ऑफ इन्फ्रेंस में भी आ जाता है कि हम लोग इन्फर कर रहे हैं। सही है, ये इस्लामिकली भी बहुत कंसिस्टेंट है। हमारा जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उसमें भी लॉज ऑफ इन्फ्रेंस सिखाए जाते हैं। सही है, लेकिन अलग तरीके से सिखाए जाते हैं, मैं उस पर आगे जाके बात करेंगे। तो ये तो हो गई बात कि मेथड्स क्या होते हैं, लेकिन नॉलेज किस तरह की होती है। तो नॉलेज जो है एक होती है ए प्रायर और एक होती है ए पोस्टेरियोराय। सही है, एक होती है पोस्टेरियोराय। ए प्रायर मतलब एक्सपीरियंस से पहले जो नॉलेज आती है, सही है, और पोस्टेरियोराय मतलब एक्सपीरियंस के बाद जो नॉलेज आती है। मतलब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके बाद आपको नॉलेज मिल रही है, और एक है कि आप एक्सपीरियंस से पहले। तो जैसे हम लोग डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात की थी, मैंने इनका एग्जांपल लिया था कि अगर ये इंसान है और सारे इंसान मरेंगे तो डिडक्टिव आर्गुमेंट के ज़रिए हम ये बोल सकते हैं कि ये भी किसी ना किसी दिन इनकी भी मौत होगी। सही, डिडक्टिव आर्गुमेंटेशन का मेथड है, तो ये सच है। लेकिन मैंने इनकी मौत एक्सपीरियंस नहीं की है, मैं इनको ना देखा है मरते हुए ना, लेकिन मैं बोल सकता हूँ ये मरेंगे। ये हुआ एक्सपीरियंस से पहले, ये हो गया ए प्रायर। सही है, इसमें एक्सपीरियंस मेरा नहीं था। अब एक हो गया पोस्टेरियर है, जो मैंने बोला था कि सारे इंसान मरेंगे, या मैंने बोला था ये इंसान है, ये जो नॉलेज थी मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन की है। ये जो नॉलेज थी कि ये इंसान है, ये एक्सपीरियंस के थ्रू गेन की, ये मैं पहले से नहीं पता था। सही है, जैसे भाई एक बंदा है टॉम, सही है, वो इंसान है। एक बंदा है टॉम, वो बिल्ली है। तो ये नॉलेज है, पहले से नहीं पता कि टॉम इंसान है या बिल्ली है, ये मैं एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर रहा हूँ। तो ये हो गया पोस्टेरियोराय। सही है, लेकिन जो कंक्लूजन थी कि सारे इंसान मरेंगे और ये इंसान है तो ये भी मरेंगे, वो जो कंक्लूजन है कि ये भी मरेंगे, मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, तो वो हो गई ए प्रायोराय। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि नॉलेज किस तरह से हम गेन कर सकते हैं और किस तरह की नॉलेज होती है। अब जो नॉलेज में डिस्कशंस की बात आती है, जो हम लोग डिबेट्स होते हैं इस पर, अब आप ये समझ लें कि एक होती है प्रोपोजिशनल नॉलेज, एक होती है प्रोपोजिशनल नॉलेज, एक होती है एबिलिटी नॉलेज। सही है, अब जैसे एबिलिटी नॉलेज है वो आप ऐसे समझ लें कि कोई चीज़ करने कैसे करना है आपको पता है, जैसे आपको गाड़ी चलाना आता है। सही है, ये आपकी एबिलिटी नॉलेज है। सही है, आपको बात करना आती है, ये आपकी एबिलिटी नॉलेज है। सही है, लेकिन जो प्रोपोजिशनल नॉलेज है ये डिबेट्स में काम आती है। जो प्रोपोजिशनल, जब भी हम डिबेट करते हैं ना, हम लोग एबिलिटी नॉलेज के ऊपर डिबेट नहीं करते। हम लोग कभी भी जब भी डिबेट करते हैं, हमारी डिबेट्स होती हैं प्रोपोजिशनल नॉलेज के ऊपर। प्रोपोजिशनल नॉलेज क्या होता है? प्रोपोजिशंस, आई नो दैट। सही है, तो है ना, एबिलिटी नॉलेज हो गई कि आई नो हाउ टू, प्रोपोजिशनल नॉलेज हो गई आई नो दैट। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, आई नो दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ये इंसान है, आई नो दैट, ये प्रोपोजिशन है। लेकिन मैं बोलूँगा आई नो हाउ टू राइड अ बाइक, ये एबिलिटी नॉलेज है। ये मैं किसी को आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू प्रूव नहीं कर सकता। एबिलिटी नॉलेज मैं किसी को आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू नहीं प्रूव कर सकता, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा हमें बाइक चलाते हुए। लेकिन जो प्रोपोजिशनल नॉलेज है, जैसे ये किसी ना किसी दिन मरेंगे, मैं ये सिर्फ आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू प्रूव कर सकता हूँ। तो जब भी डिबेट्स होती हैं तो मेनली प्रोपोजिशंस के ऊपर होती हैं कि आई नो दैट, कोई सा भी आप डिबेट उठा के देख लें। सही है, गॉड के ऊपर आई नो दैट गॉड एग्जिस्ट। सही है कि आई नो दैट गॉड एग्जिस्ट, इसके ऊपर डिबेट होती है। सही है, जैसे आप वेस्ट में देख लें, आई नो होमोसेक्सुअलिटी इज ओके। सही, आई नो दैट के ऊपर डिबेट हो रही है। तो जब मोस्टली जब भी डिबेट्स होती हैं तो आई नो दैट स्टेटमेंट्स के ऊपर होती हैं, वो होती हैं प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स। और ऐसी स्टेटमेंट्स की नॉलेज होना प्रोपोजिशनल नॉलेज होती है। ये जो प्रोपोजिशनल नॉलेज होती है, ये हम कन्वे कर सकते हैं एक दूसरे से आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू, स्पीच के थ्रू। मतलब मैं किसी और से एक नॉलेज गेन कर सकता हूँ सिर्फ आर्ग्यूमेंटेशन या बातचीत के थ्रू, लेकिन जो एबिलिटी नॉलेज है मुझे वो खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हो गई एक तरह की नॉलेज जो स्पेसिफिकली आर्ग्यूमेंटेशन, डिबेट्स, डिस्कशन के ऊपर बात होती है। अब हम लोग क्लासिकल
से ग्रीकियन ट्रेडिशन में देख लेते हैं और वेस्टर्न ट्रेडिशन में तीन मेन अप्रोचेज हैं नॉलेज की। सही है, पिछली क्लास में भी बात हुई थी थोड़ी इसके तो, लेकिन मैंने डिफाइन नहीं किया था ये है क्या, तो इस क्लास में होपफुली डिफाइन करूँगा। तो पहली है इनेटिज्म, दूसरी है एम्पिरिसिज्म और तीसरी है रैशनलिज्म। तो ये जो तीन अप्रोचेस हैं इनमें फिलोसफी में डिस्कशंस होती हैं कि हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो इन तीनों चीज़ों के अंदर आती है मेनली। सही है, तो जैसे मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ ये तीनों चीज़ें हैं क्या पहले, तो फिर आप लोगों को होपफुली ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी। आवाज़ आ रही है ना अभी? तो पहले हो गया इनेटिज्म। इनेटिज्म मतलब आपको एक्सपीरियंस से पहले नॉलेज थी, सही है, और आपने वो नॉलेज सीख नहीं की है, वो नॉलेज आपको पहले से ही पता थी। जैसे एग्जांपल हो गया कि आप एग्जिस्ट करते हैं, सही है, ये आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यू जस्ट न्यू दैट यू एग्जिस्ट। सही है, और लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे दो चीज़ें मैं घर के बाहर और घर के अंदर एक साथ नहीं हो सकता। सही है, मैं अपने घर के बाहर और अपने घर के अंदर एक साथ नहीं हो सकता, ये इनेट नॉलेज बोल सकते हैं, ये इनेट नॉलेज है कि हमें पहले से ही पता है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा, ना मुझे सोचना पड़ा इसके बारे में। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है। फिर आ गया एम्पिरिसिस्ट, जो आजकल एथियस्ट जो होते हैं वो यही होते हैं, एम्पिरिसिस्ट होते हैं। सही, जो एम्पिरिसिज्म पे मानते हैं। अब एम्पिरिसिज्म क्या है, वो बोलते हैं सारी नॉलेज कैसी भी नॉलेज हो वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिलती है, ऑल नॉलेज वी गेन इज थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे कि वो लोग बोले जो मैं एग्जिस्ट करता हूँ ना ये भी एक एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं था मैं एग्जिस्ट करता हूँ, जब मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया एग्जिस्ट करते हुए देन आई फाउंड आउट दैट आई एग्जिस्ट। सही, ये एम्पिरिसिस्ट की अप्रोच होती है। सही, जैसे साइंस, जैसे वैसे इतने साइंस को प्रमोट करते हैं क्योंकि साइंस है एम्पिरिसिज्म के थ्रू ही चलती है साइंस, आपको एम्पिरिकल डेटा मिलता है, एम्पिरिकल डेटा मतलब ऑब्जर्वेशनल। सही है, सुनना देखना फील करना, ये जो सेंसेस के थ्रू होता है ना वो एम्पिरिकल डेटा होता है, और जो बोलता है कि इन सेंसेस के थ्रू ही नॉलेज मिल सकती है वो एम्पिरिसिज्म को पर एडियर करता है, वो बोलता है इन सेंसेस के थ्रू ही मुझे नॉलेज मिल सकती है, इनके अलावा कोई ज़रिया नहीं है नॉलेज का, तो वो एम्पिरिसिस्ट हो जाता है। जैसे आजकल के एथियस्ट हैं वो बोलते हैं भाई मुझे खुदा दिखाओ। सही है, यही बोलते हैं ना भाई मैं खुदा दिखाओ तो मैं मानूंगा, तो ये एम्पिरिसिज्म ही तो है, वो लोग ये मान नहीं रहे। तो इसमें होपफुली मैं थोड़ी बात करूँगा इनमें मसाइल क्या है। और फिर एक और फिर आखिरी पोजीशन आ गई रैशनलिज्म वाली, जो रैशनलिस्ट होते हैं, और हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन में भी रैशनलिस्ट रहे हैं, जैसे इबन रुश्द का नाम सुना है किसी ने? बताएं इबन रुश्द कौन थे, नाम बताएं इबन रुश्द का, नाम सुना है? तो ये इबन रुश्द थे, वो कादी थे, मतलब जज थे, और फिलोसोफर थे, और पॉलीमैथ भी थे, मतलब सारी फील्ड स्टडी करते थे, इस्लामिक ट्रेडिशन भी स्टडी करते थे। तो वो जो थे वो रैशनलिस्ट थे, वो बोलते थे कि खुदा के बारे में भी रैशनलिटी के थ्रू जान सकते हैं और जानते हैं, गलत और सही क्या है रैशनलिटी के थ्रू जानते हैं। सही है, क्या चीज़ नहीं है वो भी रैशनलिटी के थ्रू जानते हैं। अब रैशनलिटी के थ्रू जानने से क्या मुराद, रैशनलिटी के थ्रू जानने से मुराद है कि आप अपनी रैशनल कैपेबिलिटीज़ रैशनल इंट्यूशन यूज़ करके आप कोई कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। इनेटिज्म तो हो गया कि आपको पहले से ही पता है। सही है, एम्पिरिसिज्म हो गया कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन रैशनलिज्म हो गया कि आप कोई प्रोपोजिशंस रख रहे हैं और कंक्लूजन कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे जो लॉ ऑफ इन्फ्रेंस हो गया रैशनलिटी में फॉल करता है, जैसे डिडक्टिव हो गया इंडक्टिव हो गया ये रैशनलिटी में फॉल करता है। जो लोग बोलते हैं कि हम इनके थ्रू ही सच तक पहुँच सकते हैं वो रैशनलिस्ट होता है। तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोग एम्पिरिकल डेटा भी मानते हैं। सही है, रैशनलिस्ट बोलेंगे हम लोग एम्पिरिकल डेटा भी मानते हैं, लेकिन जो नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं वो रैशनैलिटी के थ्रू है। सही है, जैसे एग्जांपल हो गया कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैंने इसके बारे में सोचा है, मैंने इसको रैशनलाइज किया है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और फिर मुझे पता चला है। एम्पिरिसिस क्या बोलता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और फिर मुझे पता चला है मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इनेटिस्ट क्या बोलता है कि मुझे पता था मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इसके बारे में ना मैंने सोचा ना मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे पहले से ही पता था। तो ये अब थोड़ा आप लोग समझ में आ गया तीन स्कूल ऑफ थॉट। सही है, इसमें इशू तो नहीं है। तो अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
कि कुरान और इस्लामिक ट्रेडिशन, मतलब कुरान की अप्रोच क्या है, कुरान क्या बोलते हैं, हम लोग एम्पिरिसिस्ट हैं, रैशनलिस्ट हैं या इनेटिस्ट हैं। तो इसमें थोड़ी आयात रखूँगा। कुरान 38 चैप्टर वर्स 29 पैराफ्रेज कर रहा हूँ मैं, जो भी आयत हैं बेसिकली पैराफ्रेज करूँगा मोस्टली। A book we have sent down to thee, blessed, that man possessed of mind may ponder its sign and so remember. अब इसमें दो चीज़ें नोट करने की है कि इसमें जो लव्स यूज हुए हैं वो है साइन, पॉन्डर, रिमेंबर। जो रिमेंबर से हमें यह पता चलता है कि हमारे अंदर कोई नॉलेज थी जो हमें याद आई है, हमें कोई चीज़ पहले से पता थी कुछ हद तक, जो हमें बाद में पता चली है, जो हम वी रिमेंबर्ड इट। और फिर वी यूज़ अवर माइंड, सो हमें माइंड से क्या पता चल रहा है कि रैशनैलिटी भी इन्वॉल्व है इस्लामिक ट्रेडिशन में, रैशनल अप्रोच है। तो ये भी हमें पता चल गया कि कोई चीज़ है जो हमें पहले से पता थी, जो हम लोग रैशनैलिटी यूज़ करके उस तक पहुँच सकते हैं। फिर तीसरी एक और चीज़ लिखी हुई है कि साइंस जब लिखा हुआ है तो साइंस तो ना मैंने रैशनलाइज किया है ना मैंने, मुझे पहले से पता थी। साइंस एम्पिरिकल डेटा हो गया, मैंने देखा, सही है, सूरज गुरूब होता है, तुलूब होता है, सही है, ये एम्पिरिकल डेटा है, ये अल्लाह की मैजेस्टी दिखाता है, ये साइंस अल्लाह की। तो फिर और भी आयत आती हैं जैसे चैप्टर 51 वर्स 21-22 एंड ऑन अर्थ आर साइंस फॉर द सर्टन इन फेथ एंड इन योर सेल्फ Then will you not see? अब देखें इसमें कितना, इन दो verses में आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल रही। Then will you not see? सही है, and in yourself, then will you not see? तो इससे हमें पता चला कि एक साइंस हैं जो बाहर हैं, जो हम लोग कोई साइंस हैं जो इंसान से बाहर है, तो ये innate नहीं हो सकता, ये अंदर नहीं है, बाहर है, जिससे हमें knowledge मिल सकती है। फिर within yourself, फिर कोई साइंस हैं जो अंदर है, जो साइंस जो अंदर है, तो ये इनेट हो गई कि आपके अंदर फितरा है, इनेट है, दैट इज़ इनेट। इब्ने तैमिया का ओपिनियन ये है कि फितरा आपको अल्लाह की तरफ पुल करती है, सही है, एक डिस्पोजिशन है ये जो आपको अल्लाह की तरफ पुश करती है। और इमाम अल-ग़ज़ाली का ये राय थी कि फितरा से आपको पहले से ही पता है कि अल्लाह है। तो इससे हमें पता चलता है कि इन दो ही आयत से पता चल जाता है कि रैशनैलिटी भी इन्वॉल्व है, कुछ इनेटली भी कोई चीज़ है जो इन्वॉल्व है, और एम्पिरिकल डेटा भी इन्वॉल्व है। तो इस्लाम में ऐसा नहीं है कि हम लोग एक स्कूल ऑफ थॉट को छोड़ रहे हैं और दूसरे को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम तीनों चीज़ें रख के ट्रूथ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जो वैसे सबसे रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और तीसरी आयत मैं ये बोलना चाहूँगा, वी विल शो देम दैट them our signs in the horizons and within themselves. ये दूसरी आयत है लेकिन वही बात रिपीट हो रही है कि in the horizons and within themselves. तो अल्लाह अपनी साइंस दिखा देगा, अपना एविडेंस दिखा देगा जिससे आपको अल्लाह की नॉलेज आ सकती है। फिर उसके आगे लिखा हुआ है, इट इज़ द ट्रूथ बट इट इज़ नॉट सफिशियंट कंसर्निंग योर लॉर्ड, बट इज़ इट नॉट सफिशियंट कंसर्निंग योर लॉर्ड दैट ही इज़ ओवर ऑल थिंग्स अ विटनेस। तो अल्लाह ने पहले बताया कि साइंस एविडेंस है, हर जगह आपके पास साइंस और एविडेंस है, लेकिन आपके लिए इतनी चीज़ काफ़ी नहीं कि खुदा हर चीज़ के ऊपर विटनेस है, सही है, हर चीज़ के ऊपर अल्लाह को हर चीज़ की नॉलेज है, ये इनेट है, दिस इज़ इनेट, सही है, बंदे को इतना सोचना नहीं पड़ता, बंदे को इंट्यूटिवली होती है, एक फीलिंग होती है कि यार कोई चीज़ ने सब कुछ बनाया है। अब हम लोग आगे आगे बात करेंगे कि फिर बंदा एथियस्ट क्यों बनता है, अगर ये सारी नॉलेज होती है पहले से ही तो बंदा एथियस्ट क्यों बनता है। इस चीज़ का हम बोलते हैं फितरा जब क्लाउड हो जाती है, सही है, दूसरी आइडियोलॉजीज के थ्रू, तो बंदा एथियस्ट बन जाता है या कोई सी भी आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर लेता है। तो आज का डिस्कशन मैंने छोटा रखा है कि एपिस्टेमोलॉजी समझ में आ जाए लोगों को कि है क्या, और इस्लामिक ट्रेडिशन क्या है एपिस्टेमोलॉजी का, हाउ डू वी नो समथिंग अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक ट्रेडिशन एंड कुरान।